दोस्तों आज मैं ब्यावर आया हुआ हूँ, कुछ दिन के लिए राजस्थान में हूँ। तो आज मैं ब्यावर में ठहरा हुआ था और ब्यावर का ये जो जिस जगह में हूँ मैं, ये पुराना बस अड्डा कहलाता है ये। और जो आज मैं आया हूँ खास करके इसे देख रहे हो आप, जामुन चाय। और यहाँ लगभग सुबह 5 बजे से खुल जाता है, अभी तो मतलब उजाला हो चुका है और ये इतना भीड़ लगना शुरू हो जाता है। दिन आते आते तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो हॉट ड्रिंक में पीने वाली चीज़ चाय है, इतना फेमस चाय है यहाँ ब्यावर का, जिस ब्यावर शहर में हूँ। और ये यहाँ का नज़ारा सब लोग बाहर आप देख रहे हो पूरा। और यहाँ जाके आपको चाय कैसे बनाते हैं आपको दिखाते हैं। ये पुराना बस अड्डा एरिया है ये, और ये आका ये सुबह सुबह का नज़ारा यूँ है। बहुत लोग आते हैं यहाँ पर चाय के लिए। देखो गाइस, तो दूध डाल दिया अंकल जी ने। आप ये देख लीजिए बनाने का स्टाइल अंकल जी का, तो खास करके ये देख लीजिए। और जानिए चीनी और ये चाय, चाय कपड़े में डालने के बाद चाय छानने का इस्तेमाल ये कपड़े का शुरू करते हैं। ये चाय जो छन्नी यूज करते हैं उसकी जगह ये कपड़े का यूज करते हैं यहाँ पर। ये देख लो कपड़े का अंदर, ये बिल्कुल कड़क चाय है ये कूलर का। और ये है गाइस जामुन चाय ब्यावर का, इस टाइप में मिलता है। कूलर में लोगे 10 रुपये और प्लास्टिक का कप में लोगे 10 रुपये और कॉफ़ी का प्राइस है 25 रुपये। और सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक पुराने बस अड्डा जामुन चाय वाला पूछ लोगे तो आप सीधा मतलब रोड पर ही है ये। और चाय तो यहाँ का गजब का चाय है, बहुत बार पीता हूँ मैं। आज इस टाइप से वीडियो आज पहली बार बना रहा हूँ, यहाँ पहली बार नहीं आया हूँ मैं, बहुत बार आता रहता हूँ। मेरे पास में एक होटल है, वहीं ठहरा हुआ हूँ। और मैं कुछ दिन के लिए राजस्थान में हूँ और यहाँ से जाऊँगा आबू रोड माउंट आबू, उसके बाद उदयपुर। और लगभग 15 दिन अभी राजस्थान में हूँ मैं। अगर टाइम मिलता है तो जिस शहर का भी फेमस चीज़ होती हो, चाहे खाने का हो, चाहे चाय हो, चाहे कॉफ़ी हो, कुछ भी हो, अगर समय मिलेगा तो मैं वीडियो आपके लिए अवश्य बनाऊंगा। ये चाय का मज़ा, कुल्हड़ चाय का बहुत बढ़िया कड़क चाय है ये। ओके गाइस, यहाँ का चाय का चुस्की का मज़ा लेने के बाद अब होटल जाके और आगे भी निकलना है। और ये एरिया है पुराना बस अड्डा ब्यावर। और यहाँ पर मैंने खास करके राजस्थान में बहुत देखा है, तो सुबह सुबह ना मेरे ख्याल से घर में चाय नहीं पीते, मैं तो घर में पीता हूँ। देखो दिल्ली में, जब दिल्ली में रहता हूँ तो वैसे बाहर बहुत रियर ही होता है, चाय पीने के लिए बाहर स्पेशल जाऊँ तो। यहाँ ऐसा नहीं है, बहुत जगह मैंने राजस्थान में, चाहे जयपुर हो, चाहे अजमेर हो, चाहे कोटा हो, कहीं भी हो, एक कहीं ना कहीं चौराहे में बहुत फेमस चाय वाले होते हैं। वहाँ बहुत सारे लोग सुबह सुबह चाय के चुस्की लेने के लिए आते हैं। ये मेन चौराहा है, पुराना बस अड्डा का चौराहा है, इधर देख सकते हो आप, ये है। और यहाँ से पीछे वाला रोड पे किसी से पूछ लोगे जामुन चाय और तंदूरी चाय। तंदूरी चाय तो अभी खुला नहीं था ये। मैं इस होटल में ठहरा हूँ जो होटल विक्रांत है। गाइस, आई होप कि आज का ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, हो सके तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।